लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस के बारे में एम्पियर सर्किटल लॉ और गॉसेस लॉ के बीच में। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है वो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, और जो गॉसेस लॉ है वो हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है जो कि हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, वो हमें बताता है मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। सिमिलरली गॉसेस लॉ जो हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, वो हमें बताता है मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट पर आएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले एम्पियर सर्किट और लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे। कंसिडर कर लेते हैं ये कंडक्टर, इसमें से फ्लो रहा है करंट, करंट के फ्लो के वजह से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ऊपर वाला जो सेक्शन है या फिर जो ऊपर वाला जो स्पेस है, वहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके की क्लोज लूप को लूँगा, कुछ इस तरीके की क्लोज लूप को लूँगा, और ये जो क्लोज लूप होगी मैं उसको कुछ इस तरीके से रख दूँगा। तो एक क्लोज लूप के साथ एसोसिएटेड जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा वो मुझे बता देगा कि ऊपर वाले स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो क्लोज लूप होगी, ये क्लोज लूप के कॉन्टैक्ट में जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा वो मुझे बता देगा कि ऊपर वाले स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अब ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो एक क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लूप में हम लोग कंसिडर करते हैं एलिमेंट्री लेंथ। ये जो छोटी सी जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ, और ये एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे क्लोज सर्फेस में। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ये क्लोज लूप के कॉन्टैक्ट में जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें मिल जाती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो क्लोज लूप है, ये जो क्लोज लूप है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज्ड एम्पिरियन लूप। सिमिलरली गॉसेस लॉ में हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। तो मान लेते हैं ये हमने कंसिडर किया क्लोज सर्फेस, ये क्लोज सर्फेस के अंदर है एनक्लोज चार्ज, तो चार्ज की वजह से बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो मैच स्टिक है हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स का डायरेक्शन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स का जो डायरेक्शन होगा ये सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेगा, जिसके वजह से सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये सरफेस के ऊपर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये क्लोज सरफेस के ऊपर कंसिडर करते हैं इन्फाइनाइटेसिमल सरफेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरफेस वैक्टर, कुछ इस तरीके का हम लोग कंसिडर करते हैं सरफेस वैक्टर, और ये सरफेस वेक्टर के साथ एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर, जिसके वजह से जो क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है उसका हमें मिल जाता है मैग्नीट्यूड। जैसे कि एम्पियर लॉ में हमने क्या किया था, ये एम्पियर लॉ में ये क्लोज सर्फ ये क्लोज लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर किए थे एलिमेंट्री लेंथ, उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के क्लोज डॉट प्रोडक्ट को हमने इंटीग्रेट कर दिया था पूरे क्लोज लूप में, जिसके वजह से जो क्लोज लूप पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी उसका हमें मिल गया था मैग्नीट्यूड। सिमिलरली क्लोज सर्फेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं ये सरफेस वेक्टर, ये सरफेस वेक्टर के साथ एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर, जिसके वजह से जो क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनती है उसका हमें मिल जाता है मैग्नीट्यूड। तो यही डिफरेंसेज है एम्पियर सर्किटल लॉ और थोड़ा बहुत गॉसेस लॉ के बीच में। अगर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ समझ में आ जाता है तो जो गॉसेस लॉ होता है बहुत हद तक के हमें समझ में आ जाता है। तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ में ये जो लूप होती है, ये जो लूप होती है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरियन लूप। एम्पियर सर्किटल लॉ में जो लूप होती है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरियन लूप। सिमिलरली गॉसेस लॉ में ये हम लोग जो क्लोज सर्फेस कंसिडर करते हैं, ये क्लोज सर्फेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सर्फेस। ये जो क्लोज सर्फेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सर्फेस। तो क्लोज सर्फेस मतलब कोई भी सर्फेस हो सकती है जिसके अंदर वॉल्यूम होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्पीयर हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्यूबॉइड हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई बॉक्स हो गया, या फिर कोन, या फिर सिलेंडर जो कि चारों तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर बॉटल है वो भी क्लोज सर्फेस है जब तक कि जो वाटर बॉटल की जो कैप है, जब तक कि वाटर बॉटल पे लगा है तो जो वाटर बॉटल है वो क्लोज सर्फेस है। जैसे वो कैप अगर हम लोग हटा देते हैं तो जो वाटर बॉटल होगी वो ओपन सर्फेस बन जाएंगी। तो क्लोज सर्फेस वो सर्फेस होती है जिसके अंदर वॉल्यूम होता है और जो कि चारों तरफ से क्लोज होती है। तो ये जो स्पीयर है ये है क्लोज सर्फेस। अगर ये स्पीयर में अगर मैं होल कर दूँ जरा सी छोटा सी, तो जो स्पीयर होगा वो हो जाएगा ओपन सर्फेस। तो ये जो स्पीयर है ये है क्लोज सरफेस। सिमिलरली ये जो एम्पिरियन लूप है ये है क्लोज लूप। तो एम्पियर लॉ में हम लोग एम्पिरियन लूप कंसिडर करते हैं, और ये जो हम लोग जो गॉसेस लॉ में ये जो क्लोज सरफेस कंसिडर करते हैं उसको हम लोग मान सकते हैं गॉसियन सरफेस। अभी हम लोग दोनों लॉस को मैथमेटिकल इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गॉसेस लॉ में और एम्पियर लॉ में,
तो जो एम्पियर लॉ होता है उसके लिए हमें मैथमेटिकल जो इक्वेशन मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट है। और जो गॉसेस लॉ है उसके लिए जो हमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमें क्या बोलता है, अगर हम लोग एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, तो जो क्लोज सर्फेस पर जो क्लोज लूप में अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं या फिर क्लोज लाइन में अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, तो जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा वो हमें बता देगा कि वो जो क्लोज लूप है उसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बराबर में होगी एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की और जो करंट जो कि वो क्लोज लूप ने एनक्लोज करके रखी उसके। ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए एलिमेंट्री लेंथ और उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लोज लूप में, तो जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल या फिर बोल सकते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो बराबर में होगा करंट एनक्लोज करके रखिए जो क्लोज लूप ने वो और जो एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी है फ्री स्पेस के उसके। सिमिलरली जो गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ हमें का जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, क्लोज सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब गॉसेस लॉ में जैसे कि मैंने बोला गॉसेस लॉ में अगर हम लोग इन्फाइनाइटेसिमल सरफेस एरिया कंसीडर करें या फिर एरिया वेक्टर कंसीडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग क्लोज सरफेस में इंटीग्रेट कर दें, तो जो क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है वो हमें मिल जाएंगी। और ये जो मेथड होता है इन्फाइनाइटेसिमल सरफेस हम लोग कंसिडर करते हैं उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लोज सर्फेस पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्फेस इंटीग्रल। तो जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा वो हमें बता देगा कि जो क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है, मतलब जिस भी मीडियम में पूरे सिस्टम को रखा गया है वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है। तो अगर आपको ये मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये है गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन से अगर हम लोग बोले कैसा हम लोग गॉसेस लॉ और एम्पियर लॉ को बोल सकते हैं, तो जो एम्पियर लॉ है ये मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर करें उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग क्लोज लूप में इंटीग्रेट कर दें, तो जो इंटीग्रेशन होगा क्लोज लाइन इंटीग्रेशन वो हमें बता देगा वो क्लोज लूप के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर में होगा एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के और जो करंट जो कि वो क्लोज लूप ने एनक्लोज करके रखी है उसके। सिमिलरली अगर हम लोग इन्फाइनाइटेसिमल सर्फेस कंसिडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें क्लोज सर्फेस में, तो जो क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है वो हमें मिल जाएंगी और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज जो कि वो क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। कभी कभी गॉसेस लॉ में ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये कभी ये नहीं दिया होगा और डायरेक्टली हमें दिया होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज इन द क्लोज सर्फेस एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वही मतलब है। ये मैंने पूरा इन डेप्थ या फिर इन डिटेल में इंडिकेट कर रहा हूँ, वरना कोई कोई टेक्स्ट बुक में या फिर कोई कोई बुक में हमें डायरेक्टली ये क्लोज सर्फेस इंटीग्रल और उसके बाद में डायरेक्टली ये चार्ज एनक्लोज और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमें देखने मिलेगा। तो अगर हम लोग ऐसा भी लिखते हैं तो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें फुल मार्क्स ही मिलेगा जो कि हमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इंडिकेट कर रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होता है ये हमें नहीं दिया होता है, सिर्फ इतना दिया होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसका यही मतलब होता है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट फॉर्म में लिखा है, हम लोग अगर ये कंप्लीट फॉर्म में भी लिखे तो जो एक्सप्लेनेशन होता है वो परफेक्ट होता है। तो यही होता है गॉसेस लॉ और जो एम्पियर सर्किटल लॉ लॉ है दोनों के बीच का डिफरेंस।